बरेली से चलकर कलियर शरीफ के लिए रवाना हुआ साबरी झंडा पैदल काफिला एक दिन यहां रुकने के बाद नूरपुर के लिए रवाना हो गया। साबरी झंडा पैदल काफिला शुक्रवार को यहां ईदगाह स्थित हजरत शाह मुकम्मल साहब की दरगाह में पहुंचा था। शनिवार को इस काफिले को कांठ रोड हरथला पर देखा गया। कांठ रोड स्थित गुलाब मस्जिद पर इस काफिले का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में मोहम्मद सलीम, सदाकत हुसैन, लताफत हुसैन, जुल्फुकार हुसैन और मोहम्मद कैफ शामिल रहे। काफिले के मकसद पर रोशनी डालते हुए काफिले में शामिल वसीम साबरी और डॉक्टर नसीम अहमद ने बताया, एक साबरी झंडा है, साबरी झंडा पैदल काफिला ये शाहिद बाग में लेकर पहुँचते हैं। इससे लोगों की आस्था, मन्नतें और शांति शहर की अमन के लिए, भाईचारे के लिए। क्या इनकी इसकी मान्यता है झंडे की वहाँ जब पहुँचता है कलियर शरीफ में तो वहाँ शुरू होता है इसका उर्स का शुरू होता है उर्स का। बरेली से चला हमारा झंडा, ये हमारा रामपुर मुरादाबाद से होता हुआ ये नूरपुर पहुँचेगा। नूरपुर में इसका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होगा, नजीबाबाद पहुँचेगा, उसके बाद हरिद्वार में इसका उद्घाटन हमारे बाबा जिलानी साहब करेंगे आगे। और ये हमारे बाबा जिलानी की क़यादत में ही इनकी चलता है। ये वहाँ पहुँचने के बाद में 14 तारीख को ये झंडा हमारा कलियर शरीफ पहुँच जाएगा। वहाँ इसकी जो है सज्जादे साहब होंगे, बाबा जी होंगे, उसकी झंडे की परचम करेंगे। उसके बाद हमारी रस्म की उसकी रस्मात शुरू हो जाएगी ताकि हमारा उर्स शुरू हो जाए। सरकार सारी पाक का यही अब इनका मिशन है, आपस में भाईचारा और इत्तेफाक होना चाहिए। कब से वहाँ से बरेली से झंडा कब चला है वहाँ? ये 2 तारीख से चला। अब कलियर शरीफ कब पहुँचने? हमारा 14 को पहुँचे। बरेली से चलकर रामपुर होता हुआ एक रात मुरादाबाद में रुकने के बाद काफिला कंपनी बाग स्थित दरगाह हजरत इसहाक मियां में कुल शरीफ की महफिल में शिरकत करके कांठ रोड होता हुआ नूरपुर के लिए रवाना हो गया।